तो ये है हमारी टीम और आज निकल रही है बरसाने की होली खेलने। तो आज हम सब चल रहे हैं बरसाने की होली के लिए। और एक्चुअली ये हॉस्टल जैसा ही कुछ लाइफ है हम लोगों का। तो आप सभी तैयार रहिएगा बरसाने की होली के लिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बिल्कुल झमाझम वीडियो है, बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। पूरी सफेदी में चलूं क्या? दोस्तों हम अपनी टीम के साथ निकल चुके हैं आज बरसाने की बहुत ही विश्व प्रसिद्ध होली खेलने के लिए, जिसको कहा जाता है कि ये होली लठमार होली कही जाती है। और आज हमारी होली में हमारे साथ है हमारे सीनियर डॉक्टर विजेंद्र देवधर और डॉक्टर नौटियाल फ्रॉम उत्तराखंड एंड डॉक्टर विनोद कुमार गैंगवार फ्रॉम बरेली। सो कीप वॉचिंग। एंड मैं अपने नए सब्सक्राइबर को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो कुछ वृंदावन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बेहद ही खूबसूरत वीडियो होने वाला है, बहुत ही झमाझम होने वाली है होली इस बार की। तो लगातार वीडियो को लाइक करते रहेगा और आगे मैं आपको दिखाता रहूंगा कि किस प्रकार बरसाने की लठ मार रंगीन होली खेली जाती है। तो बोलिए राधे राधे राधे। हमने ले लिया है दिल्ली हाईवे, जहां से हम पहुंचेंगे छाता, और छाता से हमें बाईं तरफ 20 किलोमीटर चल के जाना है। छाता से हमें लेफ्ट लेकर 20 किलोमीटर चलना है बरसाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत सड़क, बहुत ही जबरदस्त सड़क है और 6 लेन्स हाईवे है ये। तो अभी हम बरसाने से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर हैं और हमें लगेगा लगभग 1 घंटे का सफ़र। और उसके बाद ये ट्रैफिक नहीं होती है तो, और ये ट्रैफिक क्योंकि आजकल होली का माहौल है तो ट्रैफिक होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यदि ट्रैफिक रहती है तो हमें लग सकता है 1 घंटे से ज़्यादा। हमने कोशिश की है कि हम 2 से 2:30 बजे तक बरसाने पहुँच जाएँ और उसके बाद हमारी होली शुरू हो जाएगी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हेलो, जैसा मैंने बताया था वैसा ही हो रहा है। जाम ऐसी खतरनाक जगह पे, कच्ची सड़कें, पता नहीं इन सड़कों को सरकार ने अभी तक क्यों नहीं बनाया। आप देख सकते हैं किस कदर जाम लगा हुआ है, किस तरह से लोग यहाँ निकल रहे हैं। हालांकि होली का मजा तो है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि टेम्पो के ऊपर टेम्पो के नीचे लोग भरे पड़े हैं और हम किसी तरह जाम से निकल रहे हैं। हमारे एक फ्रेंड नौटियाल जी अभी नीचे जा चुके हैं ताकि हमारी गाड़ी निकल सके। भाई हमारा सामने वाला टेम्पो खराब हो गया है तो हमारे फ्रेंड नौटियाल उसको धक्का वक्का लगा के किसी तरह स्टार्ट करवाए और अब जो है जाम धीरे धीरे खुल रहा है। उसका टेम्पो सही हुआ है, नौटियाल जी किसी तरह धकेल डुकुल के उसको आगे पीछे करके आ गए और अब हम जा रहे हैं मुंडेरल राइट। अभी हम बरसाने से कुछ दूरी पर हैं, 3 किलोमीटर का सफ़र बचा है, लेकिन यहीं पे हमको गाड़ी रोकनी पड़ेगी और आगे का सफ़र हमें पैदल तय करना पड़ेगा। मिलते हैं सीधे बरसाने से लाइव। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं बरसाने की रोड पर और पूरी रोड जो है यात्रियों से भरी पड़ी है। यहाँ पर सारे लोग गुजर रहे हैं होली के लिए। अब 3 किलोमीटर बचा है और हमें पैदल जाना है। यहाँ से हम सबको पैदल जाना है। पीछे आप देख पा रहे होंगे सब लोग होली खेलते हुए आ रहे हैं। हमारी टीम थोड़ा आगे जा चुकी है और हम भी बस पहुँचने वाले हैं। तो बरसाने के अंदर घुस चुके हैं, आप भीड़ देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ है और चारों तरफ राधे राधे और होली के गुलाल उड़ रहे हैं और हमारे मित्र गंगवार जी पूरी तरह से होली में छाए हुए हैं। इनको अभी एक ने पकड़ के रंग लगा दिया है और हम आगे देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो पानी मारे पानी का मार कि आप देख पा रहे होंगे पूरा बरसाना होली के रंग में रंगा हुआ है। लगभग 3 किलोमीटर से ये पूरी होली का माहौल बना हुआ है और सब एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं आपको लगातार इस होली के पूरे रंग का आनंद दिलाता रहूँगा। अभी जुड़े रहिए, हम सब जा रहे हैं राधा रानी मंदिर और फिर वहाँ से आपको दिखाते हैं लठमार होली की कुछ झलक। लठमार होली ऊपर ही चली है, लठमार होली के साथ बनते हैं तब तक सही समझा है।
और नौटियाल जी हैं, गहलवा जी हैं, जिनको हम प्यार से कहते हैं दीवान दीवान आगे जो गली है, जो हमारे सिंगर भी हैं और मत मौला आती बरेली से। जुगाड़ सब लिए हुए घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं लक्ष्मण होने अमित सैनी आप हमारे चमन तो दोस्तों ये रही बरसाने की होली और अब सफर हम लोग अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं। इसी के साथ अभी को राधे 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 राधे।